झूठे प्यार की तीन बड़ी पहचान। हेलो फ्रेंड्स, लव ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम रिश्ते में आते हैं तो एक ही डर लगा रहता है कि शायद झूठा प्यार ना निकले, झूठा साथी हमें धोखा ना दे दे। अगर वो धोखा दे देता है तो हमारा जो अच्छा वक्त होता है वो चला जाता है, हमने उनके पीछे जो सब कुछ लगाया वो चला जाता है। फिर दूसरी बार किसी भी रिश्ते में आने से हमें डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि हम यही सोचते हैं कि ये भी धोखा ना दे दे। तो अगर ऐसा बाद में ना हो और पहले ही आप समझ ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो झूठे प्यार की ये तीन बड़ी पहचान समझ लीजिए। सबसे पहला है सेल्फिश। जो इंसान स्वार्थी है ऐसे इंसान से बच के ही रहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बनाने से क्या मतलब, जो स्वार्थी हो, हर बार अपना सोचे। स्वार्थी लोग क्या करेंगे ये समझिए, वो हर वक्त अपना काम निकलवाने के लिए माहिर होंगे, वैसे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जहाँ पे अपना स्वार्थ आएगा तुरंत वो अपनी ताकत लगा देंगे। वो रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे या नाराज हो जाएंगे, कुछ भी करके उनको अपनी बात मनवानी। तो सेल्फिश लोग दूसरा क्या देते हैं संकेत, वो अपने सिर पे कोई भी गलती या कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये भी सेल्फिश लोग होते हैं। वो अक्सर कुछ भी हुआ चाहे उनके साथ है कुछ, तो गलती का सीधा पॉइंट आपके और करेंगे कि देखिए आपने शायद ऐसा किया था, शायद ऐसा हो सकता है। पहला सेंटेंस तो ऐसा ही निकलेगा कि आपकी वजह से हो सकता है। तो ये भी एक सेल्फिश है। और जो जिम्मेदारी ना ले वो डरता है, स्वार्थी लोग डरते हैं कि मेरा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ और मुझे लोगों ने ताना मारा, ऐसा कुछ किया, मेरी गलती हो गई तो। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। तो सेल्फिश लोग कभी भी सच्चा प्यार नहीं कर सकते, उनके प्यार में मिलावट ही होगी। दूसरा है ओनली ईगो। ईगो मतलब मैंने किया है, सिर्फ ये मेरा किया धरा है। देखिए हमारा लव मैरिज है लेकिन वो प्यार भी मैंने किया था, तो हर बात में उनका ईगो झलकता हुआ नजर आएगा। मैंने ये अच्छा किया, मैंने वो अच्छा किया। कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मुझसे तो नहीं होता है, मैं तो ऐसा हुआ, वो भी ईगो है। जहाँ पे मेरी बात आई वो ईगो है। जैसा ईगो वाला प्यार भी झूठा प्यार है। तीसरा है ज़ीरो रिस्पेक्ट आपके बातों की हो, आपके विचारों की हो, प्रायोरिटी देने की हो। अब यहाँ पे रिस्पेक्ट यानी सिर्फ आपको अच्छा भरा बोलकर ही रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। आप जब भी उनके साथ बातचीत कर रहे हैं तो आपकी बातों को तवज्जो ना देना, सिर्फ उनकी ही बातें करना, ये भी रिस्पेक्ट का ही भाग है। तो ये भी एक झूठा प्यार है। तो तीनों चीज़ें दिखाती है झूठे प्यार के बड़े संकेत, सेल्फिश, ओनली ईगो और ज़ीरो रिस्पेक्ट। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप में या आपके साथी में ये संकेत है या नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे जी अभी फ्रांजा मजमू लला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर, लिव बेटर।